हेलो गाइस, मैं हूं आपकी लीजा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि लिब्रा का यानी कि तुला राशि वालों का अक्टूबर का मंथ कैसा जाएगा। सो ये आपकी सन मून राइजिंग तीनों के अकॉर्डिंग होने वाला है। आप सन मून सन साइन से भी देख सकते हो, मून साइन से भी देख सकते हो। सो वी विल बी चेकिंग टू थिंग्स, आपकी लव लाइफ एंड आपके करियर में क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो लेट्स स्टार्ट विद योर लव लाइफ एंड देन हम कुछ गाइडेंस निकालेंगे यूनिवर्स की साइड से। सो Let's see what do we have for Libra. So we have the card of Hermit, we have Three of Swords एंड वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आप इतना ज़्यादा कुछ फोकस्ड होने वाले हो अपनी लव लाइफ के अंदर, बिकॉज या तो आप किसी हार्ट फेस से निकल रहे हो, ठीक है, या किसी आप हार्ट ब्रेक से निकल रहे हो। कोई एक ऐसी सिचुएशन हुई है जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हो, किसी पर्सन ने आपको बहुत डीप इशूज़ दिए हैं, कोई लव ट्राइंगल वाली सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि किसी पर्सन ने कोई आया, उस पर्सन ने आपको हर्ट किया, उन्होंने सॉरी बोला, आपने माफ किया, वापस से वही सेम चीज रिपीट हुई, अगेन वही सेम चीज। तो कोई यहाँ पे पैटर्न है जिससे आप बहुत ज्यादा थक चुके हो, कंप्लीटली थक चुके हो, ठीक है। तो इसलिए आपका जो फोकस है वो रिलेशनशिप से हटके कहीं ना कहीं अपनी विक्ट्री पे ज्यादा रहने वाला है, अपने फाइनेंसिस पे, अपने करियर के ऊपर आपका फोकस ज्यादा रहने वाला है, अपने अपने में रहना, टाइम स्पेंड करना, थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करना, ओके। एक वो एनर्जी मुझे दिख रही है, जो लोग ऑलरेडी मैरिड है वहां पे थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन रहना पड़ सकता है अपनी मैरिड लाइफ में। थोड़ा सा ऑनेस्ट और डिसिप्लिन रहने को आपको बोला जा रहा है, बिकॉज और थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ भी आपको टाइम स्पेंड करने को बोला जा रहा है। इट्स लाइक अलोन टाइम स्पेंड करना अपने पार्टनर के साथ, अपने साथ, यू नो, बच्चों का इतना इन्वॉल्वमेंट ना होना, बड़ों का इतना इन्वॉल्वमेंट ना होना, एक वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट लग रहा है जो ऑलरेडी मैरिड है। जो लोग कंप्लीटली सिंगल हैं वहाँ पे आई डू फील कि आपको बहुत असर्टिव होने की नीड है व्हेन इट कम्स टू कि आप अपनी रिलेशनशिप पे चाहते क्या हो, आप अपनी लव लाइफ से चाहते क्या हो। बिकॉज आप में से काफ़ी लोग तो मुझे यहाँ पे क्लियर ही नहीं दिख रहे हो कि आपको करना क्या है, आपको शादी करनी है नहीं करनी, आपको रिलेशनशिप में आना नहीं आना, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो एक उस टाइप की एनर्जी जो है वो आपको कन्फ्यूज कर सकती है, ओके। बॉर्डम की वजह से आपके इमोशंस भी थोड़े से इट्स लाइक काफ़ी हाई रह सकते हैं, काफ़ी इमोशनल रह सकते हो आप इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो इट इज़ गोइंग टू बी बेटर फॉर यू अगर आप अपने करियर के ऊपर ध्यान दो। करियर में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, ओके। करियर में आपका मोराल बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, काफ़ी विक्टोरियस होते हुए दिख रहे हो आप लोग अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, ओके। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अक्टूबर में किसी मेडिटेटिव रिट्रीट के लिए जाओ, ठीक है, किसी रिट्रीट में जाना, कोई योगा रिट्रीट हो सकता है जहाँ पे आप जाओ और आपके लिए काफ़ी अच्छा भी होगा, किसी साइलेंट सी जगह पे जाना। लेट्स सी कि आपके करियर में क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो करियर की अगर मैं बात करूँ, आई थिंक बाय 8th ऑफ अक्टूबर या फिर 18th ऑफ अक्टूबर, मुझे 18th ऑफ अक्टूबर की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, जब आपके करियर में एक शिफ्ट आना स्टार्ट होगा। बिकॉज उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपका हार्ट चक्रा जो है वो बहुत एक्टिवेटेड होने वाला है, तो आपका फोकस अपनी रिलेशनशिप, अपनी फ्रेंडशिप्स, अपने सोशल सर्कल, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। अपने इमोशंस के ऊपर आप इन चीज़ों से ज़्यादा डील करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए। बिकॉज कोई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई फैमिली में भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा पर्सन है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, आपने इस पर्सन के साथ बहुत पेशेंस रखा है, आपने काफ़ी टॉलरेंस दिखाई है इस पर्सन को लेके, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपकी वो वैल्यू नहीं की, वो रिस्पेक्ट नहीं की। और ये नेसेसरी नहीं है कि ये रोमांटिक पर्सन ही हो, कोई फैमिली से भी हो सकता है, कोई है जो बहुत क्लोज रहा है आपसे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बचपन से ये पर्सन
आपके साथ रहे हैं, तो उस टाइप की एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। दूसरा ये कि आप थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, अलग अलग चीज़ें करना, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करना, ये सब चीज़ें करते हुए दिख रहे हो। तो हो सकता है कि आप कहीं शॉपिंग पे जाओ, आप कहीं और टाइम स्पेंड करो, किसी और के साथ नए दोस्त बनाना, ये सब चीज़ें, अलग अलग चीज़ें करते हुए दिख रहे हो। बट तब भी कहीं ना कहीं मन में एक डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, बिकॉज़ यहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो अपने आप को। बट आफ्टर 8th और फ्रॉम 18th ऑफ अक्टूबर, वहाँ पे तब जाके एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है आपके करियर में, जहाँ पे फाइनली ये जो भी आपकी हैवी एनर्जीज होंगी, इमोशनल एनर्जीज होंगी, वो रिलीज़ होती हुई दिख रही है। एंड देन यू विल बी एबल टू असेंड, ठीक है। तब आप अपनी करियर के अंदर, अपनी लाइफ में अच्छे से असेंड करते हुए दिख रहे हो। एक एक्सेलरेटेड मोशन दिख रहा है आपकी अबंडेंस को लेके, आपके मनी को लेके। आप और ज़्यादा, इट्स लाइक कि ये ब्रेक आपके लिए ना बहुत ज़्यादा नीडेड है, ठीक है। ये 15 से 20 दिन जो होंगे स्टार्टिंग के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एंड उसके बाद आपको एक काफ़ी अच्छा ब्रेक मिलता हुआ दिख रहा है, एंड देन यू विल बी एबल टू फोकस बेटर इन योर करियर। ओके, लेट्स सी कि लिब्रा के लिए एंजल्स की साइड से क्या मैसेज है। अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है। सो लाइक आई सेड, ये मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि आपके करियर में आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। रिकवरी का कार्ड आया है, तो अगर आप किसी रिलेशनशिप से या किसी भी चीज़ से मूव ऑन करना चाह रहे थे, कोई रिकवरी चाह रहे थे या कुछ भी ऐसा, तो वो यहाँ पे होती हुई दिख रही है, ठीक है। वो रिकवरी आपको मिलेगी। आप प्रे, कुछ लोग यहाँ पे प्रे कर रहे थे कि ये जो प्रॉब्लम है ये कम्प्लीटली हट जाए आपकी लाइफ से, चीज़ें ठीक हो जाए, एक पीसफुल सिचुएशन हो, पीसफुल रेजोल्यूशन हो, वो यहाँ पे आपको डेफिनेटली होता हुआ दिख रहा है। अक्टूबर में ये चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएगी, दैट इज़ फॉर श्योर। ओके, साथ में अपॉर्चुनिटीज़ तो आती हुई दिख ही रही हैं, तो वो लाइक आई सेड कि 18th ऑफ अक्टूबर से आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है आपके करियर में। सैटर्न रेट्रोग्रेड जो है वो भी कहीं ना कहीं एंड हो जाएगा, उसके बाद आपको इस चीज़ के रिवॉर्ड्स मिलने स्टार्ट होंगे। ओके, और कोई सिचुएशन में अनलाइकली का भी कार्ड आया है। सो कहीं पे अगर आपके अंदर कोई डाउट है कि आप किसी चीज़ में फंस ना जाओ, या कुछ किसी को कुछ आपका कोई सीक्रेट ना पता चल जाए जो आप छुपाना चाह रहे हो, या कुछ भी ऐसा, सो वहाँ पे आपका जो सीक्रेट है वो कम्प्लीटली लॉक्ड है, कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड है। इट इज़ अनलाइकली कि ये चीज़ ऐसे होगी। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।